हेलो एवरीवन, आज डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टी में आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में अध्ययन करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन की बात करूं, एक मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसका मतलब कितना मोल? एक मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब वह एटम गैसियस फेज में होना चाहिए। गैसियस फेज में क्यों? क्योंकि गैसियस फेज के अंदर दो एटम के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होती है और उनमें आपस में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, ये बात है। उसके आउटर मोस्ट सेल से, इनर सेल से नहीं, कौन से कहां से, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? आयनाइजेशन एनर्जी। एग्जांपल की बात करें, क्रोमियम कौन सी फेज? गैसियस। कितना मोल? एक मोल। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? 4s। उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है? आईई फर्स्ट। वो कितनी है? डेल एच इज इक्वल टू प्लस वाई किलो जूल पर मोल। आगे आपको डाटा भी मिलेंगे कि इस क्रोमियम की जो एन आई फर्स्ट है वो कितनी है। ये एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है इसलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यूनिट की बात करें, किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आयनाइजेशन एनर्जी है वो साइज के और शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि शील्डिंग इफेक्ट है वो इनर सेल और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है, उसकी वजह से साइज बढ़ती है और साइज जितनी ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात ध्यान रखना, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन, ये दोनों स्टेबल कॉन्फिगरेशन होते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन अपन रिमूव करेंगे तो ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, या कहूं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। अब एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, पोटेशियम से क्रिप्टॉन की ओर जा रहा हूं, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता जा रहा है, एटॉमिक रेडियस कम होती जा रही है, या कहूं साइज डिक्रीज होती जा रही है। और ऊपर मैंने एक रिलेशनशिप बता रखा है, साइज यदि डिक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब लेफ्ट वाले की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और राइट वाले की क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब यह हुआ पी ब्लॉक एटम है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो डी ब्लॉक और एस ब्लॉक से ज्यादा है, या कहूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एस ब्लॉक से ज्यादा है। अब अपन एग्जांपल की बात करें, मैंने आपको एक ऊपर एग्जांपल दिया था क्रोमियम, और क्रोमियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है? 653, लेफ्ट हैंड साइड में देखें आई फर्स्ट 653 किलो जूल पर मोल। ऊपर लिखा है अपन ने डेल एच इज इक्वल टू प्लस वाई किलो जूल पर मोल, तो वाई की जगह अपन कितना लिख सकते हैं? 653 किलो जूल पर मोल। तो अब अपन इस एग्जांपल की बात करें, क्रोमियम, क्रोमियम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकला
उस को अपन क्या कह सकते हैं, आई फर्स्ट। और आई फर्स्ट है वो कितनी हो गई, 653 किलो जूल पर मोल। अब क्रोमियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया तो वो कौन सी होगी, आई ई सेकेंड। कितनी दे रखी है, 1592। क्रोमियम प्लस टू से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया तो वो आयनेशन एनर्जी कौन सी होगी, आई ई थर्ड। अब है कि आई फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में आपको डाटा दिए हुए हैं, कौन सी एनर्जी ज्यादा है, आई थर्ड। फिर कौन सी है, आई सेकेंड। फिर कौन सी है, आई फर्स्ट। तो एक ही एटम की फर्स्ट सेकेंड थर्ड आयनेशन एनर्जी के क्रम की बात करें तो थर्ड आयनेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट, ये हमेशा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं क्रोमियम में, क्रोमियम प्लस, क्रोमियम टू प्लस, क्रोमियम थ्री प्लस, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज। प्रोटॉन का रेशियो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा और आयनेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। या कहूं पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा आयनेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। या मैं ये कहूं क्रोमियम प्लस, क्रोमियम टू प्लस और क्रोमियम थ्री प्लस में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में है, क्रोमियम थ्री प्लस। फिर किस में है, क्रोमियम टू प्लस। और फिर किस में है, क्रोमियम प्लस। अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा आयनेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अब मैं क्रोमियम और मैंगनीज का कंपैरिजन करता हूं। दो अलग अलग एलिमेंट ले लिए मैंने, क्रोमियम और मैंगनीज, इनका मैं कंपैरिजन करता हूं कि किसकी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ज्यादा है और किसकी सेकंड आयनेशन एनर्जी ज्यादा है। क्रोमियम की फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है वो 653 है, जबकि मैंगनीज की कितनी है, 717 राइट हैंड साइड। तो किसकी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ज्यादा है, मैंगनीज की। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लिख रखा है आई फर्स्ट है वो मैंगनीज की ज्यादा है, किससे, क्रोमियम से। क्यों, क्योंकि मैंगनीज में इलेक्ट्रॉन 4s2 से रिमूव हो रहा है और 4s2 से रिमूव होकर के अपन को जो प्राप्त हो रहा है वो 4s1 प्राप्त हो रहा है, जबकि क्रोमियम प्लस वन में बात कहूं 4s1 से इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर के 4s0 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब अपन को हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है। स्टेबल है कि अनस्टेबल, स्टेबल। और स्टेबल है तो वह अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देगा, तो इजीली रिमूव कर देगा, इसलिए आई फर्स्ट है वो किसकी ज्यादा है, मैंगनीज की। सेकेंड आयनेशन एनर्जी की बात करें, क्रोमियम में दूसरा इलेक्ट्रॉन 3d5 से रिमूव हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में देखें 3d5 से है, तो ऊपर मैंने एक रिलेशनशिप दिखा रखा है, हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वो आयनेशन एनर्जी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्रोमियम के लिए सेकेंड आयनेशन एनर्जी है वो 1592 है, जबकि मैंगनीज के लिए सेकेंड आयनेशन एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहा है, 4s से, इजीली रिमूव हो जाएगा क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है, इसलिए आई सेकंड है वो मैंगनीज के लिए कितनी है, 1509। तो किसकी ज़्यादा है, क्रोमियम की। तो मैंने नीचे लिख रखा है आई सेकंड इज ग्रेटर देन, आई सेकंड इज इक्वल टू क्रोमियम इज ग्रेटर देन मैंगनीज। तो ये याद रखना कि क्रोमियम और मैंगनीज का जो अपन कंपैरिजन करें तो क्रोमियम की आयनेशन एनर्जी है वो सेकंड ज़्यादा होती है, जबकि मैंगनीज की कौन सी होती है, फर्स्ट। इसी प्रकार
कॉपर की बात कहूँ तो वही का वही केस है। कॉपर की फर्स्ट आयनेशन एनर्जी की बात करूँ तो कॉपर में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, 4s से, और कौन सा कॉन्फिगरेशन प्राप्त हो रहा है, 3d10। तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन प्राप्त हो रहा है, तो यह इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और कॉपर की फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है वो कितनी है, I first 745 लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर। जिंक की बात करें, इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हो रहा है, 4s2 से, और प्राप्त क्या हो रहा है, 4s1। कोई स्टेबल कॉन्फिगरेशन नहीं प्राप्त हो रहा है, और 4s2 है 4s1 के कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, आप डाटा देख सकते हो। जिंक की फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है वो 906 होती है, इसलिए फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है वो किसकी ज़्यादा है, जिंक की। सेकेंड आयनेशन एनर्जी की बात करूँ तो 3d10 कॉपर में 3d10 से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो कॉपर की सेकेंड आयनेशन एनर्जी है 1958, जबकि जिंक की सेकेंड आयनेशन एनर्जी में 4s1 से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो यह इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, तो इसके लिए कम आयनेशन एनर्जी की आवश्यकता होगी, वो कितनी है, 1734। इसलिए सेकेंड आयनेशन एनर्जी है वो किसकी ज़्यादा होगी, कॉपर की। तो मैंने नीचे लिख रखा है आई सेकंड है वो कॉपर की ज़्यादा है, किससे, मैंगनीज से, वही रिलेशनशिप मैंगनीज और क्रोमियम का। अब अपन कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्करी, ग्रुप में इनके रिलेशनशिप देखें तो आपस में कॉपर और जिंक में किसकी ज़्यादा है, जिंक की। तो बताओ कैडमियम और सिल्वर में किसकी ज़्यादा होती है, कैडमियम की, क्योंकि अपन कॉपर जिंक का तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। गोल्ड और मरकरी में किसकी ज़्यादा होती है, मरकरी की। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि इनके आपस में सेकेंड आयनेशन एनर्जी है वो किसकी ज़्यादा होगी और क्यों। अगला एग्जाम्पल है स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम। स्कैंडियम कितना है, 162, इट्रियम 180 और लेंथेनम कितना है, 187 पिकोमीटर। तो साइज के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा लेंथेनम, फिर इट्रियम, फिर है स्कैंडियम। और साइज और आयनेशन एनर्जी हैं वो दोनों एक दूसरे क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो गया, स्कैंडियम, फिर इट्रियम, फिर लेंथेनम। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है या घटता हुआ क्रम है। नीचे डाटा दे रखे हैं और उस डाटा के बेस के ऊपर अपन को समझना है। जैसे मैंने क्रोमियम का पहले एग्जाम्पल लिया था, मैंगनीज का भी मैंने पहले एग्जाम्पल ले लिया, आई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्कैंडियम से जिंक की ओर जाएं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, प्रोटॉन भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिससे कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। परंतु लास्ट में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने के कारण शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा और साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर कंसेप्ट यह है कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक, स्कैंडियम से मैंगनीज तक साइज क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो आयनेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। वेनेडियम को छोड़ दो और आप चेक कर लो, मैंगनीज की सबसे ज़्यादा है, फिर क्रोमियम की है, फिर वेनेडियम की कम है, टाइटेनियम की ज़्यादा है और स्कैंडियम की कम है, वेनेडियम को छोड़ना। परंतु यहाँ ये केस है कि टाइटेनियम की 656 है, जबकि वेनेडियम कितनी है, 650। क्यों, सुनना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। टाइटेनियम है
उसके फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, 4s2 से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और 4s में चेंज हो जाता है। 4s का इलेक्ट्रॉन है वो 3d2 में एंटर करता है और कौन सा कॉन्फिगरेशन प्राप्त हो जाता है, 3d3। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तीन। तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैं नंबरिंग दे दूं 1 2 3, तो वन वाला किस में जाएगा, टू में, और वन वाला किस में जाएगा, थ्री में। कितने हो गए एक्सचेंज, दो, और टू वाला किस में चला जाएगा, थ्री में। तो कितने एक्सचेंज हुए, तीन। और इन एक्सचेंज के कारण इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइज्ड होते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ऊपर लिखा हुआ टाइटेनियम की आयनाइजेशन एनर्जी है, वो मैंने माना कि 670 एनर्जी अब्जॉर्ब हुई। कितनी, 670। उनमें से एक्सचेंज एनर्जी के कारण रिलीज कितनी हो गई, -1.4 kJ/mol। तो ये एनर्जी रिलीज हुई तो फिर शेष कितनी बची, 656। समझ में आ गई। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं कि वेनेडियम की कम क्यों हो गई। वेनेडियम में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, 4s2 से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और कौन सा कॉन्फिगरेशन प्राप्त हुआ, 3d3 4s1। और 4s1 का इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर गया, 3d3 में, तो क्या प्राप्त हुआ, 3d4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, चार। वन वाला किस में जाएगा, 2 3 4 में, और टू वाला किस में जाएगा, 3 और 4 में। एक्सचेंज कितने हुए, पांच। वन वाला किस में गया था, 2 3 4 में, टू वाला किस में गया, 3 और 4 में, और थ्री वाला किस में चला जाएगा, 4 में। तो इसलिए टोटल एक्सचेंज कितने हो गए, 6, या इलेक्ट्रॉन कितनी बार डीलोकलाइज्ड हुआ, 6 बार। जितना ज्यादा डीलोकेशन होगा एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। तो माना कि वेनेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी है, वो अब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, वो कितनी थी, 680। टाइटेनियम की कितनी मानी थी, 670। ज्यादा किसकी है, वेनेडियम की। परंतु एक्सचेंज एनर्जी है वो किसकी ज्यादा है, वेनेडियम की। कितनी मानूं मैं, 30। तो यदि 30 माइनस कर दूं तो कितना प्राप्त हुआ, 650। इसलिए वन वर्ड आंसर देना हो तो टाइटेनियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो वेनेडियम से ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। अब है आगे, आयरन कोबाल्ट और निकल को देखें। आयरन कितना है, 762, कोबाल्ट चेक करो 758, निकल चेक करो 736। तो बताओ डिक्रीज हो रही है, जबकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। और आपको मैंने बताया था कि कम होने का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, पेयरिंग। आयरन में एक, कोबाल्ट में दो, और निकल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो रहे हैं, तीन। इसलिए पेयर होने के कारण शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, साइज इंक्रीज होगी और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहां एक बात और देखें कि क्रोमियम में और मैंगनीज में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी ज्यादा है, मैंगनीज की, चेक कर लो 717, और क्रोमियम कितना है, 653। मैंगनीज की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी चेक करो, 1509, तो क्रोमियम की कितनी है, 1592। तो सेकेंड किसकी ज्यादा है, क्रोमियम की, डाटा से ही पता चल गया। तीसरा एक एग्जांपल और देखें, आयरन की मैंगनीज और कोबाल्ट की कंपेरेटिवली बात करें तो आयरन की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखी है वो एनर्जी है
वो आयरन और कोबाल्ट दोनों से ही क्या है, कम है, क्यों और कैसे, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे, परंतु ये याद रखना वास्तव में कम है। अब अपन आयनेशन एनर्जी की बात करें तो 3D, 4D और 5D में सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी है वो किसकी है, 5D की है, जो कि मैंने ग्राफ के थ्रू शो कर रखी है। वाई एक्सिस में आयनेशन एनर्जी और एक्स एक्सिस में मैंने ट्रांजिशन मेटल शो कर रखी है। आयनेशन एनर्जी है वो नीचे से ऊपर या बॉटम टू टॉप इंक्रीज होती जा रही है। हाफ नियम, जर्कोनियम और टाइटेनियम में ज्यादा किसकी है, होप नियम, फिर जर्कोनियम और फिर टाइटेनियम। टेंटेलम, नियोबियम, वेनेडियम में टेंटेलम की सबसे ज्यादा, फिर नियोबियम, फिर वेनेडियम। टंगस्टन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम में टंगस्टन की सबसे ज्यादा है, फिर मोलिब्डेनम और फिर क्रोमियम, परंतु यहां आकर के चेंज आ गया। रेनियम, मैंगनीज और टेक्नीशियम में सबसे ज्यादा किसकी है, रेनियम, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, मैंने कहा था याद रखना, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन में कितने एक्स्ट्रा इलेमेंट भरे गए थे लेंथेनाइट सीरीज के, 14, 14 प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, या अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। चेक कर लो सब में 5D की आयनेशन एनर्जी ज्यादा है, ये याद रखना। 5D बहुत बार क्वेश्चन पूछा आता है, अपन साइज फैक्टर में चले जाते हैं। इसी प्रकार ऑस्मियम, आयरन और रुथेनियम में, इसी प्रकार इरिडियम, कोबाल्ट और रोडियम, परंतु यहां एक्सेप्शनल केस आ गया है, प्लेटिनम, पेलेडियम, निकल की होना कौन सा चाहिए था, प्लेटिनम के बाद में निकल और पेलेडियम, परंतु ज्यादा किसकी है, निकल और पेलेडियम में, पेलेडियम की। और लास्ट दे रखा है ओरम, कॉपर और सिल्वर, 5D, 3D और 4D। ये ऐसा क्यों और कैसे अपन नीचे देखते हैं। 3D, 4D, 5D मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखे हैं, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेनियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, कॉपर, सिल्वर, ओरम, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इनमें 5D सीरीज के ग्रुप की बात कर रहा हूं, 5D की सबसे ज्यादा होगी लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, उसके बाद में 3D और 4D में किसकी ज्यादा होगी, 3D की, क्योंकि 3D सीरीज के लिए n बराबर 4 है, 4D के लिए n बराबर 5 है, और अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर, n जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी ज्यादा होगी, साइज उतनी ही ज्यादा होगी, आयनेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। चेक कर लो 3D और 4D में किसकी ज्यादा है, 3D की। तो यहाँ 3D और 4D में कौन सा फैक्टर लागू हो गया, साइज फैक्टर। एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बता दिए ऊपर, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, निकल, पेलेडियम, प्लेटिनम, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हॉफनियम, ये केस आ जाएं तो 5D के बाद में 3D ना होकर के 4D होता है, ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल है, मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था, आयरन की है वो थर्ड आयनेशन एनर्जी है वो मैंगनीज और कोबाल्ट के कंपेरेटिवली है, कम होती है, क्यों, तो इसका आंसर है क्योंकि थर्ड आयनेशन एनर्जी का मतलब है कि अपन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कौन सा, तीसरा, तो इसका मतलब यह है कि 3D6 से जब मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो बताओ 3D5 प्राप्त होगा, जो कि क्या है, स्टेबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा कि नहीं होगा, इजीली रिमूव हो, क्योंकि स्टेबिलिटी प्राप्त हो रही है, तो वह है इलेक्ट्रॉन अपना इजीली डोनेट कर देता है, इसलिए आयरन की थर्ड आयनेशन एनर्जी है वो
रिलेटिवली कम होती है। क्यों? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी प्राप्त करने के कारण। आशा करता हूं ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। इस वीडियो को समझना और कहीं भी कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।